हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब सभी के घर में टैब में जो डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है वो हटाया जा रहा है, और धीरे धीरे दोस्तों ये अपडेट ऑटोमेटिक ही सभी के टैब में हो रही है, जिससे कि उनका डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन गायब हो रहा है। अब डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन का यूज़ हम करते थे यूट्यूब चलाने या फिर गूगल चलाने के लिए, अब अगर ये हट जाएगा तो हम यूट्यूब वहाँ से नहीं चला पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ स्टेप बताऊँगा, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका डिवाइस मेंटेनेंस का जो ऑप्शन है वो कभी भी यहाँ से नहीं हटेगा, और अगर हट भी जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से अपने मोबाइल के अंदर गूगल यूट्यूब वगैरह सभी चीज़ों को चला पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों जिनको कि आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपके टैब में अभी डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना, उसके बाद आपका डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन कभी भी नहीं जाएगा और आप आसानी से यूट्यूब वगैरह चला पाएंगे बिना डिवाइस मेंटेनेंस के भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो। चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट टैब से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो स्टेप नंबर वन है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको गवर्नमेंट टैब में अब 5.1 वर्जन के अलावा कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो आपको नहीं करनी है। अगर आप उस अपडेट को अपने गवर्नमेंट टैब में कर लेते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपके गवर्नमेंट टैब में जो डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि आप फेक वीडियो बनाते हैं, मेरा डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन चला गया। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी अपडेट अपने गवर्नमेंट टैब में नहीं करनी है। अब चले दोस्तों, चलते हैं स्टेप नंबर टू की ओर। स्टेप नंबर टू दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले आई के बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन अभी तक आपके टैब में है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई, ये दोस्तों आपको ऑन मिलेगा, आपको सिंपली से इसको ऑफ कर देना है। इसका क्या फायदा होगा, जब भी दोस्तों कोई अपडेट वगैरह आएगी तो वो आपकी ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी। इसका ये फायदा है कि आपका जो टैब है वो अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिक जब तक आप उसको अपडेट नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम स्टेप नंबर थ्री की ओर। तो दोस्तों, स्टेप नंबर थ्री है, उसके अंदर दोस्तों आपको अपने गवर्नमेंट टैब में साइड की को लगाना पड़ेगा। इसका क्या फायदा होगा कि अगर आपका जो डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है, ये जो आपको ये वाला दोस्तों डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है, अगर ये चला भी जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से अपने गवर्नमेंट टैब में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल सभी चीज़ों को चला पाओगे। तो इसके तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि आपको साइड की कैसे लगानी है। अगर आपको ये जानना है कि साइड की से यूट्यूब कैसे चलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन पर आपको एक वीडियो मिल रही होगी, उस पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि आप साइड की के अंदर से यूट्यूब को कैसे चला सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में साइड की को लगाएंगे कैसे। उसके लिए यहाँ पर आपको डिवाइस मेंटेनेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आपको मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव ऐप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कोई भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने नॉक्स मैनेजर को ऐड किया हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको परमिशन पर क्लिक कर देना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक फ़ोन नाम की परमिशन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सी ऑल ऐप विद दिस परमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सो सिस्टम पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐप मिल जाएगा वन यू आई होम। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको सी ऑल वन यू आई होम परमिशन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का बटन मिल रहा होगा, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में वन यू आई होम मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपका वन यू आई होम पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से वन यू आई होम सेटिंग पर क्लिक कर देना है आपको। और जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर में एक सर्च का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है साइड की, और जैसे ही आप साइड की सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है आपको सिंपली से उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपकी पहले ये ऑफ मिलेगी, तो ऑफ के बाद आपको सिंपली से ऑन कर देना है और ओपन ऐप वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने पहले से कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट को ऐड कर लेना है या फिर आप डिवाइस केयर को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों
अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपके गवर्नमेंट टैब में साइड की लग चुकी है या फिर नहीं। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपने मेन यहाँ पर होम पर आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं अपने दो बार पावर वाले बटन पर को दबाऊंगा तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं आराम से यूट्यूब चला सकता हूँ। यूट्यूब कैसे चलाना है साइड की से, उसके लिए आपको आईडी बटन नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल रही है, जाकर उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि आप साइड की से यूट्यूब को कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं अपने गवर्नमेंट टैब में तो आपका डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन नहीं जाएगा। और दोस्तों मैंने जो आपको थर्ड स्टेप बताया उसको जरूर कर लेना, इससे अगर आपका डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन का या फिर ऑटोमेटिक अपडेट्स की वजह से या फिर सरकारी कुछ भी अपडेट वगैरह अपने गवर्नमेंट टैब में ऑटोमेटिक डाल देती है अपने आप से ही, तो भी दोस्तों अगर आपका डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन हट जाता है फिर भी दोस्तों आप वहां से यूट्यूब को चला पाएंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी और आई बटन में भी, जहां से आप सीख सकते हैं कि जो थर्ड स्टेप है उसमें आप यूट्यूब को कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट आपको यहां पर मिलता रहता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।